हम बड़े वीक हैं पीआर के अंदर। हिंदुस्तान देखो जो राइट है राइट है, हिंदुस्तान बहुत आगे है हमारे से अपने पीआर के अंदर, उसके लॉबी बहुत तकड़ी है, हमारी लॉबी वीक है। जो ट्रेंड चलते हैं सैंक्शन पाकिस्तान, वो हमारे खिलाफ ही क्यों चलते हैं? सैंक्शन ईरान क्यों नहीं चल रहा? सैंक्शन चाइना क्यों नहीं चल रहा? सैंक्शन ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ये क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि होना भी ये चाहिए था। सैंक्शन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सैंक्शन यूनाइटेड किंगडम, सैंक्शन फ्रांस, पाकिस्तान ने है तो पूरी दुनिया का बोझ उठा के रखा हुआ है ये, और ये आज की बात नहीं है। ये पाकिस्तान 1947 के बाद से ये बोझ उठाकर फिर रहा है। ये आपसे तो आप अपनी इकोनॉमी को देख लीजिए, एक रफ एस्टिमेट है कि $150 बिलियन का पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, और पाकिस्तान का आज का जो कर्जा है वो तकरीबन 103-104 बिलियन डॉलर है। जी मीर साहब, एक चीज और है जो बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, कि इंडिया एक ट्रेंड चलाता है पाकिस्तान के खिलाफ, सैंक्शन पाकिस्तान, अफगानी अंधाधुंध अपने अंदर होने वाली तबाही का जिम्मेदार पाकिस्तान को करार देते हैं, और कुछ यूरोपियंस और अमेरिकन के अंदर बैठे हुए लोग जो हैं वो भी सपोर्ट करते हैं। कनेडियन जो है वो क्रिस अलेक्जेंडर, साबिक वजीर, वो भी इसके अंदर उनका सपोर्टर बन जाता है। दुनिया में उनकी वॉइस को उठाने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान अपना मुकदमा कैसे बेहतर तरीके से प्रेजेंट करे? यानी देखें ना, इतनी मार खा के पाकिस्तान और इंडिया, इन दोनों की एक स्ट्रेटेजिक वैल्यू है एज फार एज अफगानिस्तान इज कंसर्न। ये लैंडलॉक मुल्क है, और इस लैंडलॉक मुल्क के अंदर आपको याद है कि 1947 में अफगानिस्तान वॉज द फर्स्ट कंट्री जिसने आपको एक्सेप्ट ही नहीं किया था, रिकग्नाइज नहीं किया था, आपका नेक्स्ट डोर नेबर। अब बात आती है कि आपकी ये जो एक रंजिशें हैं ये 47 से चल रही हैं, क्योंकि आपका एक रास्ता जो खुला रास्ता था अंग्रेजों के जमाने से राइट अप टू द कोस्टल एरिया, वो खुला था। पाकिस्तान के आने से एक बॉर्डर आ गया, वो बंद हो गया। अब उसके साथ साथ आपने देखा है कि जो इंटरनल मसले हैं इनके, जो ये वॉरिंग ट्राइब्स हैं सारे, और ये जो वॉरिंग ट्राइब्स हैं ये कभी भी एक आप कह लो कि एक प्लेटफॉर्म पे कभी नहीं बैठे, तो इनकी जो डिसिडेंसी आप कह लो इंसर्जेंसी इंटरनली, वो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है, और इस पर इंडिया आपको प्ले करता है। अब मुझे बताओ ना आप कि 18 आपने काउंसुलेट्स लगाई हुई थी बॉर्डर्स के ऊपर, इसका इसकी क्या वजह है? आप कौन से, क्या आप यूनाइटेड स्टेट्स के कोई फॉरेन मिनिस्टर हैं कि आपने 18 काउंसुलेट्स लगाई हुई हैं? ऑब्वियसली इंसर्जेंसी क्रिएट करने के लिए, पाकिस्तान के बॉर्डर्स को डिस्टेबलाइज करने के लिए, ये एक हिंदुस्तानी एक मकासद हमेशा बड़ी देर के रहे। उन्होंने इधर से भी यूज किया, उन्होंने बलोचिस्तान में भी यूज किया, लेकिन इंटरनली अभी जो जनरल साहब ने बात की है, हमें अपने आप को तकड़ा करना है, हमने अपने आप को सोलिडिफाई करना है, कि यहां तो हम कोई भी रूमर आती है, कभी इस्लाम खतरे में आ जाता है और कभी पाकिस्तान खतरे में आ जाता है। आपने अपनी पीआर इंटरनेशनल बढ़ानी है, आपकी पीआर जीरो है। ये हर गवर्नमेंट ने, अपार्ट फ्रॉम जनरल मुशर्रफ, आपकी हर गवर्नमेंट ने इसको जीरो माइनस जीरो किया हुआ है, क्योंकि पेनी वाइज पाउंड फूलिश है। मैं रो रो के थक गया हूं, और भाई अपने जो आपके अनऑफिशियल एम्बेसी से ब्रसल्स में, लंदन में और वाशिंगटन में, इनको रिवाइव करो, लोगों को बताओ। आप और मैं और जनरल साहब और कसूरी साहब बैठ के हम कश्मीर की यहां बात करेंगे, अफगानिस्तान की बात करेंगे, हमें ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में जाना है, हमने उनको बताना है। जब तक हम उनको नहीं बताएंगे, आपको मीडिया कवरेज कहां मिलती है? मुझे बताएं, आपके अब ये जो हमारे इतने 70,000 लोग शहीद हो गए, ये किसने हाईलाइट किया? ऑन द कॉन्ट्ररी ये होता है, अमेरिकन फिल्में बनाने शुरू कर देता है, वो अपने आप को हीरो दिखाता है, रैम्बो बन जाता है, वहां इस तरह की चीजें आप दिखाते हैं। आप, हमारी पीआर ही गलत है, हमारी पीआर को बड़ा आगे बढ़ना है, और कश्मीर एंड अफगानिस्तान का जो इशू है इसको रेज करना है, कि हम दोनों साइड से हम अफेक्टिंग हैं। ये जो इफेक्टिव है ये क्यों है? क्योंकि हम बड़े वीक हैं पीआर के अंदर। हिंदुस्तान देखो जो राइट है राइट है, हिंदुस्तान बहुत आगे है हमारे से अपने पीआर के अंदर, उसके लॉबी बहुत तकड़ी है, हमारी लॉबी वीक है। ओ यार, हम अभी रेड जोन से नहीं निकाल सके, मुझे बताओ ना क्यों नहीं निकाल सके? हिंदुस्तान निकल गया है जहां डेथ रेट ज्यादा है और हमारा डेथ रेट कम है, हम रेड में फंसे हुए, ये एम्बर में आ गए, मुझे बताओ कैसे? बिकॉज दे आर वेरी फार अहेड। इस चीज पे हमें, इनको इंटरनेशनल फ्रंटियर्स पे हमें काउंटर करना है, हमने जाके बाहर बात करनी है। लेकिन इमरान, हम बात करते हैं पेनी वाइज एंड पाउंड फूलिश, यार इसको हमें खत्म करो, इस थॉट प्रोसेस को। ठीक, पाकिस्तान है वो जारी सारी है। आई एम टेलिंग कॉन्स्टेंटली कि जो डिप्लोमेटिक बैटल ग्राउंड है वो है वॉशिंगटन, उसी
जो वाशिंगटन में जीत गया वो हर जहां जीत गया। अब इस इंडिया इस बात को समझे बैठा है, इंडिया के एम्बेसडर से लेके थर्ड सेक्रेटरी तक द बेस्ट जो डिप्लोमेटिक कोर के जो लोग हैं उनको वो पोस्ट करते हैं अपना वाशिंगटन के अंदर। फिर वहाँ जो अपना इंडियन डायफोरा है और ख़ासतौर गुजराती जो हैं, दे आर मनेट पीपल, उनके पास होटल वोटल बड़ा, उन वो जो है वो अपनी एम्बेसी को सपोर्ट करते हैं और एम्बेसी वालों को इंस्ट्रक्शन हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि तुमने इंडियन डायफोरा के साथ मिलके आपने अमेरिकन जो जो अपना कांग्रेसमैन है और सेनेटर को है उसको कैपिटल हिल पर आपने जलगार कर देनी है। तो चीज़ ये है कि हमारी डिप्लोमेटिक कोर जो है अनफॉर्चुनेटली बड़ी स्लो है। अब सर उतना बड़ा मुल्क भी नहीं है ना, हम उतना बड़ा मुल्क भी नहीं है, उतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं है, उतने बड़े वसाइल नहीं है, हमारे पास रिजर्व इतने नहीं है। अब अगर अब अरबों से हम जाके जब बात करते हैं तो वो 40 अरब डॉलर का तो इंडिया उनसे तेल ले लेता है, हम उनसे क्या लेते हैं? अब जितना तेल वो देते हैं अरबों को, सिर्फ इंडियंस को जितना अरब तेल देते हैं उतना तो हमारा टोटल उनके साथ कोई हिसाब किताब। सर वो एग्जैक्टली आइडिया है कि पाकिस्तान ने क्या खोया और पाकिस्तान का रोल क्या था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं बिकॉज दे नीड अ बैड बॉय बैड नेम, यानी हमारी नाकामी का मलबा हम किस पे डालें? तो सबसे रेलिवेंट और आसान हो सकता है कि पाकिस्तान पे डालो, इंडिया भी खुश हो जाएगा जो मुस्तकबिल में चीन के खिलाफ उनके पास एक हथियार के तौर पर मौजूद है, और बाकी भी लोग खुश हो जाए। हमारे मुल्क के अंदर ये चलता रहता है भाई सिलसिला, इस चक्कर में नहीं आना। असल में प्रॉब्लम ये है, हम लोग ठीक नहीं है, हम कौम भी ठीक नहीं है। सॉरी मैं क्या करूं, मुंह से मेरे सच निकलता है। आगे चल रहा था, नोटू भी अमेरिका से आ रहा था, हम बंदे पकड़ पकड़ के दे रहे थे, नोटू टैट देते हैं। अमेरिकन लोग अच्छे हैं, मैं बता दूं, मेरी तरफ से अमेरिका से ज्यादा अच्छी दोस्ती करनी चाहिए। क्यों? अमेरिकन पैसे चौखे देते हैं, काम लेते हैं, काम के बाद पेमेंट करते हैं, ठीक है। हम भले रोते रहे, हम तो आला जर बन ही नहीं सके ना, इतना पैसा पकड़ लिया फिर भी हम तंग हैं, हमें और दो, लेकिन उन्होंने अपना काम कराया, पैसे हमें दिए। चाइना वालों ने काम कराया, पैसे भी नहीं दिए। गाना सुनाया पानी गोई आई भाई, ये ड्रामा कर दिया, नोटू नहीं दिए। अमेरिका वाले ये है कि गाना वाना नहीं गवाते, बल्कि उल्टा बुरा भला हमारा सुनते भी हैं, लेकिन नोटू टाइम पे देते हैं वो।